तो थ्री सेवेंटी टू वि में मैंने ये डाला था अपना एंड ऑफ इंड सेन में यानी जो जो कुछ कुछ प्रोडक्ट के भी ऐसी होते हैं ना अनबॉक्सिंग दिखी मैंने अभी कहीं भी, कही भी ट्राइव में दिखाया है तो उसके लिए मैं व्यू कर रही हूँ और आपका मेरी आवाज़ बूझे दिखेंगे कि तीसरों में थोड़ी आवाज़ गूंजती है तो प्लीज़ बी अरविंग बाकी आपका प्रोडक्ट तो आपको दिख जाएंगे वीजो ना आपको ठीक ठाक आ रहा होगा तो स्टार्ट करते हैं अपना हॉल सबसे पहले मैं आपको दिखाती मैंने तो थ्रेन थी लॉजि से स्टार्ट करते हैं एक ये रेड वाली और सेकंड वन ये वाइना कलर तो मैं बता देती हूँ वो इसकी डिटेलिंग्स इस क्या क्या है और ड्रेस पहली की रेड फ्लोर ब्रा फुल कवरेज लाइटली पैडेड साइज थर्टी सिक्स बी एंड सेकेंड वन इज दोनों ने ड्रेस पेरी की थी आ, अभी इसका करेंट प्राइस थ्री थ्री नाइन रुपीज है एक ब्रा का बाकी उस टाइम का अभी मुझे याद नहीं है और इसके स्पीकिंग की एंड ऑफ रिजे से जैसे कि आपको पता है नौ तारीख से सत्रह तारीख तक चली थी और मैंने सत्रह तारीख तो को देल देल ये मैंने सारी शॉपिंग कर रही थी बट मेरे को प्रोडक्ट देर धीरे रिसीव हुए मैंने सर्टिफाई वो हाट एंडच करी थी तो उस चक्कर में थोड़ा इन हॉल लेट हो गया आने भी तो इसलिए आज मैं ये हॉल बना रही हूँ तो हाँ ये अब इतने इतने ना ही किए बाकी मैं सारे प्रोडक्ट से मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको अगर परचेज करना हो तो कर सकते हो बाकी मैंने जिस चीज़ के लिए जो कर रही हूँ वो आपको सही मिलेंगी प्रोडक्ट लाइक like, मैंने uh, ग्यारह प्रोड मंगाई थी इसी से मैंने तीन रिटर्न कर दी जो मैंने रखे हैं वो बेस्ट है तो आप कंसिडर कर सकते हो तो हाँ ये दोनों ब्राथ ब्रा थी और इसके अलावा मैंने टैप ऑफ टू ली थी ये पेंटिस वाइन कलर है बाकी इसके अलावा इंक दूसरा पलट था जो वो भी मैंने धोने पर रख दिए वैसे इसके अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखा दी थी इसका मैं आपको डिटेल्स बता दी थी कैंडोर लंडन पैप ऑफ टू सीमलेस एंटी microbial कॉटन Hipster ब्रीज साइन एक्सेल और आपको पिक्चर दिख रही होगी साइड में और अभी ये मिल रही है थ्री सेवनटी नाइन रुपीज़ में थ्री सेवेंटी नाइन रुपीज़ में दो पैक मिल रहे हैं तो और उसकी क्वालिटी अच्छी है मैंने इसको दो के भी देख लिया है तो आप इन कंसिडर कर सकते हो सो लेट्स यू on ऑन टू आर नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट ये माना स्वेट शर्ट ये एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया था ऑर्डर और बाकी मैंने इसको ट्राई करके भी दिखाया आप साइड का आपको दिखा और ट्राई और मेरी अनब्रोड अभी डे क्रिसमस टे पहना था आपने इसको देखा है और, 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 दे और इसका पीछे से गुडी है अब वैसे ये दो उसको टाइट करने के और लिए और ये जिग ब्लाउज़र अंदर से ये एकदम ख्याल ऐसा है और ये इसका मटेरियल अच्छा है एंड नैट द डिटेल्स अब मैनो फैशन मैम कॉटन जिपर वोडेड स्वेट शर्ट साइज एन और अभी इसका करेंट प्राइस है फाइव एड सी आई थिंक उस टाइम ये फाइव हंड्रेड समथिंग की था तो अभी आप ये कंसिडर कर सकती हो क्वालिटी अच्छी है दो धोकर मैंने देख लिया है ओके मूव ऑन टू मैट्स प्रोडक्ट दे आर इन इज दिस इज माई फेवरेट मैं आपको इसको अभी टीवी हो बल्कि आप साइंटीविंग में देख सकते हो ये देखो इस ये क्रॉप आया इतना स्मार्ट या है मुझे तो इसका ये इस यहाँ से आप इसको टाइट भी कर सकते हो और इसको लूज भी कर सकते हो तो मेरी जो प्रॉब्लम रहती थी आप इंटर क्लोथ्स की यही रहती थी कि मुझे कपड़े क्या कहता है हाँ स्लीव से टाइट रह जाते हैं वैसे अब तो मैं थोड़ी बहुत पतली हो गई हूँ सेवेंटी फाइव के चक्कर है तो उनके स्टिल मैं अभी कंसिडर करती हूँ अपने हाथ आर्म्स एरिया में मुझे ही आते हैं तो या दिस इज माई फेवरेट और इसकी बता डैड इन जैकेट मैं बहुत सालों से खरीदने की सोच रही थी जब मैं सोचती हूँ कि डैड इन जैकेट मुझे नहीं लिया मुझे नहीं आया तो मुझे साइजिंग मिलता था या मुझे पसंद नहीं आती थी और ब्लू मुझे बहुत कॉमन लगता था ऑन दो डैन्य ब्लू कलर बट मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद आता मुझे हाँ चीज़ें पसंद आती हैं तो मैं सोचती थी कि भाई हाँ यूनिक लेना है वजन यूनिक लेना है तो इसी है। और इसमें पता है बेस्ट पार्ट क्या है ये मेरे को दिखाते ये देखो ये मेरे को तो पूरा बंद हो जाता है जाकर मैं जिन जैकेट लेती हूँ उनके मुझे आगे तो बदल होता है ये मुझे या तो भी हो गई या इसका फाइस लगी वो मुझे परफेक्ट आया है तो आई थिंक मैं हूं, तो मैं सोच रही हूँ अपने आगे बहुत इसको पहन के ही करती हूँ क्या बोलती जिनका तो उसको पहन के ही करती हैं ठीक है हाँ वैसे ही मुझे ठंड लग रही है वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे ही बैठ गई तो इसकी डिटेल देख लेते बहुत बातें करनी इसके बारे में हम इसकी डिटेल्स भी बता देती तो प्राइस व्राइज क्या है इसका बाकी आपको ट्राई ऑन में भी दिख रहा होगा ये वाली जैकेट मैंने ट्राई करके दिखाई है टोक्यो टॉकीस टोक्यो टोकीस के तो कपड़े वैसे भी बहुत अफोर्डेबल तो होते हैं वूमन ब्लैक्स सॉरी डायरिंग जैकेट साइज एक्सेल और मैं मेरे उसका प्राइस ना वाइस अभी भी इसका प्राइस फाइव सेवेंटी सेवन रुपीज़ है मुझे उस टाइम फोन फिफ्टी नाइन समथिंग मिल गया था भी इसमें अगर आप कोड लगाएंगे या पैनल वो तो भी आपको फोर फिफ्टी नाइन की मिल जाएगी कलर इसमें है ब्लैक है मैंने लिया था साइज एक्सल में तो गाय से तो आप तो पक्का पक्का सिलना अगर आप कोई डाइन जैकेट सोच रहे हो परचेज करने की तो ये आप जरूर ले रहा इसको आप बिल्कुल छोड़ना तो नेक्स्ट मेरा फेम्रेंड मतलब सेकंड फेवरेट फर्स्ट फेवरेट ये सेकंड ये ये डैंग रफल जैकेट और जैकेट कह रही थी रफल डैनिल ने बहुत टाइम से सोच रही थी बट जब मैं देखती थी, थी ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ही रफल दिखता था बट वो इतना अच्छा नहीं लगता तो मैंने भी थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है और थोड़ा रफल भी कम है पहले मैंने साइज़ थर्टी फोर में मंगाया था ये सोच के कि मेरी वेस्ट पथरी हो गई है मुझे वो आ गया था बट मैं उसमें बैठ नहीं पा रही थी तो फिर मैंने फिर से इसको साइज़ थर्टी सिक्स ही मंगा लिया थोड़ा सा नोज़ है बट हाँ ठीक है आपको उन्हें भी खड़ा आप परफेक्ट फिट कह सकते हो नोज नहीं कह सकते हो उसका मटेरियल अच्छा है कलर तो आप देख ही रही हो उसकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं सरसो भी एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही अफोर्डेबल ही प्राइस पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं इसकी सरसाफरेस्ट इस की बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी मिलती है तो अगर आपको कोई ड्रेसेस लेनी है तो लॉक लगता ओके सर ने अफोर्डेबल प्राइस में अगर ले रहा हूँ तो बाकी वुमन ब्लू हाई राइज टी फिट जीन एंड अभी इसका प्राइस एट हंड्रेड एंड फोर हो गया मैंने इसको शायद फाइव हंड्रेड समथिंग में लिया था बाकी इसमें पोपो लगा के आप सेवन ट्वेंटी थ्री रुपीज़ का ले सकते हैं खैर अभी भी मुझे मिंत्रा में चल रही है क्रिसमस वो भी वो से भी ख़त्म हो गई है इतना नेट वीडियो बना रही हूँ मैं सॉरी गाइस नेक्स्ट टाइम से मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए तो हाँ तो यही था जींस की आप इसको वन थी कर सकते हैं मैंने साइज थर्टी सिक्स में लिया है बाकी आप तो अपने हिसाब से इसका साइज चार ये ही होता है और इसके बाद मैंने ये लिया थैंक यू ये मुझे एक तो मेरा वाइट तो अगर आप मेरे को वीडियो को मेरी फॉलो करते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं आपको पता ही होगा वाइट कलर मेरा कितना फेवरेट है मैं मेरे पास वाइट कलर की आपको हर चीज़ मिल जाएगी हर चीज़ मतलब हर चीज़ मिल जाएगी वाइट कलर में मेरे पास हर चीज़ है तो ये मैंने लिया था साइज थर्टी एट में लिया था मेरे पैक का साइज ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है और इसकी डिटेल में बता देती हूँ बाकी आपको साइड में दिख रहा होगा आप इंडियन साथ के साथ भी पहन सकते हो वो वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हैं वो इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं पाइट सॉरी पॉइंटेड टो ब्लैक हील पम्प पम्प्स बोलते हैं इस टाइप के साइज़ थर्टी एट एंड मैंने इसको ओ, मुझे याद नहीं है मैंने कितने में लिया था बट ये अभी सिक्स नाइन्टी नाइन रुपीज़ के मिल रहे हैं सिक्स नाइन्टी नाइन भी अफोर्डेबल प्राइस है कुछ इतना बुरा नहीं है तो इसमें तीन कलर है न्यू ब्लैक एंड वाइट और न्यूड भी गाइस न्यूड मेरे पास ऑलरेडी थी इस तरह के पम्प्स और ब्लैक तो मेरे पास शूज़ भी हैं हील्स भी हैं फ्लैट भी हैं न्यूल्स भी है ब्लैक में मुझे हर चीज़ थी है वाइट में भी मेरे पास फ्लैट भी थी थी मुझे व्हाइट नहीं का सा चाहिए था एक ड्रेस के लिए जो आप साइड में देखे हो इसी ड्रेस के लिए मुझे ये वाली चाहिए थी मैचिंग करने के लिए तो हाँ ये सब तो प्रोडक्ट हैं जो मैंने रखे हैं बाकी जो मैंने रिटर्न किए हैं उसकी भी डिटेल बता सकती हूँ मैंने उनको जब अनबॉक्सिंग की थी ट्राई ऑन साइडिंग आप देख सकते हो पिंक तो ये वाले शूज़ लिए थे मैंने जो कि मैंने पिंक कलर के ऑर्डर किए थे वुमेन पिंक सॉलिड सॉलिट साइज सेवन लिया था बट उन्होंने मुझे भेज दिया ब्लैक कलर में और जो जिसकी मैंने शॉर्ट्स भी बनाई थी और मैंने मिंत्रा वालों को बहुत गालियाँ भी दी थी आ, वैसे गाई जी कोई इंस्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मैंने ये सारी जो चीज़ें अपने पैसों से खरीदी हैं तो इसलिए आप एकदम रिव्यू पे जा सकते हो एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं और मुझे पिंक शूज़ चाहिए थे बट उन्होंने मेरा मोडी खराब कर दिया फिर ब्लैक दे दी ब्लैक भी आपको साइड में दिख रहे होंगे बाकी अगर नहीं दिख अगर यहाँ पर नहीं डालूंगी तो मैं शॉर्ट्स का लिंक दे दूँगी शॉर्ट्स आप देख सकते हो इसके अलावा मैंने जो रिटर्न किया है ब्लेजर गाइस बहुत अच्छा ब्लेजर था ये कैजुअली साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा एक वूमन सिंगल ब्रेस्टेड फैमिल फील्स ब्लेजर साइड डबल एक्सेल और ये इसका फिटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा था बट इसकी प्रॉब्लम क्या थी ये समर ब्लेज़र था समर में मैं इसको पहन सकती थी बट मैंने इसको रिटर्न कर दिया ये सोच के कि, कि इसके बदले में कुछ और मीटर का नहीं लेती हूँ ये तो ये मुझे थाउजेंड रुपीज़ का पड़ा था वीपोन ओपन लगा के अभी इसका प्राइस ट्वेल्व वन ट्वेल्व हंड्रेड सेवेंटी रुपीज़ रहा है बाकी इसमें आप तो और कुछ लगा सकते हो फोन वगैरह लगा के आप इसको और सस्ते में ले सकते हो अगर समर ब्लेजर की बात हो बट तो स्टाइल भी अच्छा था मतलब क्वालिटी बस वही समर ब्लेजर पिक नहीं तो मैं इसको रख लेती तो इसके अलावा मैंने क्या रिटर्न किया हाँ वो है मेरे हस्बैंड के लिए मैंने एक और गुडी मंगाई थी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर आपको तो माइडे में दिख रहा हो मैंने ना वहाँ ट्राई ऑन किया था कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें बट क्या था कि इसमें जिप ही नहीं थी तो ये पहनते ही नहीं बिना जिप ही इनको जिपवा यही चाहिए होती है बाकी मैं तो ज़्यादा रोपन ही रखती हूँ इनको लेकिन जिप वानी चाहिए थी बट हुडी में कोई दिक्कत नहीं है अभी सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर की मिल रही है बाकी उस टाइम मुझे फ़ाइव हंड्रेड एट की मिल गई थी तो यहाँ पर भी अगर आप इसमें कोई कूपन लगा दोगे एप्पर मोर कूपन लगा दोगे तो ये फाइव ट्वेंटी एट रुपीज़ की मिल जाएगी आपको कंसिडर कर सकते हो इसका लिंक भी मैं दे दूँगी तो हाँ तो ये तीन प्रोडक्ट पहले रिटर्न किए थे, थे और रिटर्न जो किए उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है तो बस यही था मेरा मिंता के सारे प्रोडक्ट जिसको दिखाने के लिए मैं बेताव हो रही थी आप लोगों को बाकी मेरा फेवरेट तो यही है और जिल तो आप सारे प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हो तो या आपने मेरे सेवेंटी फाइव डेज चैलेंज की वीडियोस देखे नहीं देखे तो गाइस जाके देखी मैंने कितनी मेहनत की अगर आपको मैं स्क्रीन में थोड़ी सी पतली दिख रही हूँ ना तो उसी मेहनत का नतीजा है तो या अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो होगी है बाकी अगर आपके पसंद की कोई प्रोडक्ट आपको तो मिले तो आप एक लाइक दे दीजिए दे दिया करो जो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन को हिट कर दिया करो आपके एक एक, एक बटन दे आपको तो कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी वीडियो से लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मैं फिर अच्छे अच्छे और कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ तो या अगर आपको मेरा ये कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाय बाय